हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम की नई वीडियो में। तो यहाँ से हम 2022 का AIPGT के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 55 तक इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस पूरी वीडियो में। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वहां पर है भलातक, नांगड़े, गुंजा और कुचला। ये चार ड्रग्स दिए गए हैं और इनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट के बारे में पूछा गया है। तो जो भलातक है उसमें सेमिकार्बोल मिलता है, लांगड़ी में कॉल्चिसिन, और लांगड़ी में भी कॉल्चिसिन मिलता है, और हब्बे जो हब्बे सोरंजा है उनमें भी कॉल्चिसिन पाया जाता है, और गुंजा गुंजा में क्या मिलता है? एबरिन, क्योंकि गुंजा का नाम होता है एबरस प्रेक्टोरिस। तो इससे हम पता चल जाता है कि इसमें एबरिन पाई जाती है। और दूसरा क्या है कि जो कुचला है, कुचला कुचला में स्ट्राइकस नक्स वोमिका, स्ट्राइकस नक्स वोमिका, ठीक है, स्ट्राइकस नक्स वोमिका में क्या मिलता है? स्ट्रिकनिन, स्ट्रिकनिन, और दूसरा क्या मिलता है? ब्रू सीन, ठीक है। पहली मिलती है स्ट्रिकनिन, स्ट्रिकनिन, और दूसरी क्या मिलती है? ब्रूसिन। ये आपको याद कर लेना है। किस में मिलती है ये? कुंजा में, कुचला में, ठीक है। तो भलातक का नाम क्या होता है? सेमिकार्पस एनाकार्डियम। तो उसमें सेमिकार्पो मिलती है। बिल्कुल, ये नाम याद रखने थे आपको, तो उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है जो वो है कौन सा कथन सत्य है? स्तन अपनायन, दंत उत्पत्ति, पर कराते हैं, यानी कि स्तन अपनाएं, यानी कि स्तन को छोड़ना, माता के दूध को छोड़ना, वो कब कराते हैं? जब बालक की दंत उत्पत्ति हो जाए। तो ये बिल्कुल सही है। और 1 वर्ष बाद स्तन अपनाएं प्रारंभ करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए, स्तन अपनाएं दंत उत्पत्ति हो जाएगी तो वो काट सकता है स्तन को, तो ये भी सही है। और 1 वर्ष तक बालक को शीरप शीरप कहा जाता है, शीरप। और एक तो एक एक साल के बाद क्या होता है? शीरानाल। तो जो एक वर्ष के बाद स्तन अपनायन प्रारंभ कर देते हैं, और 2 वर्ष तक ये पूरा हो जाता है, और स्तन को बच्चा जो है वो छोड़ देता है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल ये याद कर लेना है। और आगे की बात करें तो सुश्रुत अनुसार शलीपद व्याधि का अधिष्ठान कौन सा है? यहाँ पर आप शलीपद व्याधि को याद कर लेना। शलीपद व्याधि का स्थान कौन सा है? तो शलीपद व्याधि का स्थान है सेवंथ त्वचा। सेवंथ त्वचा वो क्या है? शलीपद व्याधि का स्थान। पहली कौन सी होती है? अभिभाषणी, अभिभाषणी, ठीक है। वो क्या होती है? सिद्धम पद्म कंटक का स्थान, सिद्धम पद्मणि कंटक का स्थान। दूसरी क्या होती है? लोहिता, तो लोहिता न्यक्ष व्यंग आदि का स्थान होती है। तो और श्वेता जो होती है वो चर्म दल अजकल्लिका का स्थान होती है। तो इसी प्रकार से आपको ये याद रखना था। तो रोहिणी किसका स्थान है? शलीपद ग्रंथि, जो भी ओवरग्रोथ्स है उसका स्थान रोहिणी है। तो आपको सेवन तो क्लियर लगानी थी रोहिणी, तो ये आपको याद कर लेना है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल को क्या कहा जाता है? तो कोटा, कोटा आपको ये याद कर लेना था। ये थोड़ा सा BMS के लिए मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी हम इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ते। और उसके बाद क्या है कि देखिए, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस का जो है ब्लड टेस्ट और सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट टू चेक फिल्ट्रेशन इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। तो ये क्या है कि जो ऑकल्ट ब्लड है वो इसमें नहीं किया जाता, लेकिन जो सीरम क्रिएटिनिन है वो यहाँ पर किया जाता है। सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट इज टू चेक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये यहाँ पर किया जाता है। तो इसीलिए जो पहला है वो गलत हो जाता है, दूसरा सही हो जाता है। और एक बार आपको क्या करना है, ये पढ़ लेना है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस में ऑकल्ट ब्लड नहीं किया जाता, ऑकल्ट ब्लड किस में किया जाता है? तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इससे आपको एक टेस्ट याद हो जाएगा। और आगे इमरेड की जो है वो फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इमरेड की फुल फॉर्म है इंट्रोडक्शन
मेथड, रिसर्च एंड डिस्कशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको याद कर लेना है। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ समझने की बात तो है नहीं। और आगे आ जाते हैं, वहां पर दो जो दी गई थी स्टेटमेंट्स एमेट्रोपिया और मेट्रोपिया के बारे में, तो ये दोनों सही थी। तो बच्चों ने बताया कि ये दोनों सही थी, तो इसीलिए ये दोनों सही जिनकी है वो उनका क्वेश्चन ये सही हो जाता है। तो आगे आते हैं, महतनील पिटिका, ये तो भिन्नता है, भिन्नता। महती पिटिता पिटिका होती है, जो महती बड़ी पिटिका होती है या नील हो, नील वर्ण की होती है, ये मोस्टली पीठ पर होती है, पीठ पर होती है। महती पिटिका होती है, नीले वर्ण की होती है, ब्लू वर्ण की। ठीक है, तो पीठ पर होती है, महती होती है, तो ये भिन्नता है, तो इसको याद कर लेना। और आगे की बात करें तो देखिए, कृष्ण उन्नत वर्ण लक्षण है, ये शिरासनायु दग्ध वर्ण का लक्षण है। ये अग्नि, जो अग्नि वाला चैप्टर है सुश्रुत का, वहां से अग्निकर्म से आया है ये क्वेश्चन। तो कृष्ण उन्नत वर्ण जो है वो शिरासनायु दग्ध का लक्षण है, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, और गैरिक ओदक प्रकाश रक्त लक्षण है, गैरिक ओदक प्रकाश लक्षण है, श्लेष्म दुष्ट रक्त, ये आपको याद करना है, श्लेष्म दुष्ट रक्त का लक्षण है गैरिक ओदकम प्रकाश, तो ये आपको याद ही होगा। ठीक है, और आगे की बात करें तो कौन सा दग्ध कुमकुम, कौन सी गंध का कुमकुम श्रेष्ठ है, तो ये पद्म गंधी कुमकुम इज श्रेष्ठ, तो आपको याद करना है। ठीक है, तो कौम सर्पी का उपयोग किस किस चिकित्सा में करते हैं, रक्त अभिसंध, रक्त अभिसंध की चिकित्सा में कौम सर्पी का प्रयोग होता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन भी इसी टाइप का आया था, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि कौम सर्पी का प्रयोग होता है रक्त अभिसंध में, और विसर्पवत चिकित्सा, विसर्पवत चिकित्सा, देखिए विसर्पवत चिकित्सा किसमें करते हैं, पित्त अभिसंध, ठीक है, अभिसंध में, और साथ में अधिमंथ में, पित्तई अधिमंथ में। ठीक है, पित्तई अधिमंथ में, पित्तई अभिसंध, पित्तई अधिमंथ, पित्तई ही अधिमंथ है, पित्तई ही अभिसंध है, तो इसमें विसर्पवत चिकित्सा की जाती है। ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंजेस ऐसे हो जाते हैं कि पित्तई अधिमंथ और पित्तई अभिसंध की तरह चिकित्सा की जाती है विसर्प में, तो आपको ये याद कर लेना था। और यहाँ पर आ जाता है व्यंग, व्यंग सामान्यतः कहाँ होता है, तो व्यंग सामान्यतः मुख पर होता है, इसमें कोई याद करने वाली बात है, सिर्फ निदान व्याधि साध्य व्याधि का कौन सा सिद्धांत है। देखिए, व्याधियों के निदान होते हैं, व्याधियां होती हैं, और जो साध्य व्याधियों का कॉन्सेप्ट, ये सर्वतंत्र है, हरेक जो तंत्र है वो निदान व्याधि के निदानों को मानता है और व्याधियों को मानता है, और साध्य व्याधियां होती हैं, तो इस प्रकार ये हर एक तंत्र द्वारा माननीय सिद्धांत होने के कारण ये सर्वतंत्र से मान सिद्धांत हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए था आपका। और इसके बाद आ जाता है कि शब्द अर्थवृत्त, ये क्या है, ये यौगिक हो जाता है, यौगिक, यौगिक, ठीक है, बिल्कुल याद कर लेना था आपको, शब्द अर्थ वाक्य वृत्ति नहीं है, यौगिक नहीं है, बाकी सही है। और बागभट्ट के अनुसार पुरुष में उत्तरवस्थि की मात्रा शुक्ति, एक शुक्ति यानी कि अर्धपल, अर्धपल यानी कि एक शुक्ति, ये याद करना था आपको। ठीक है, और बागभट्ट के अनुसार शिशिर ऋतु में नस्य का काल मध्य काल, क्योंकि शिशिर ऋतु में सर्दी होती है, सुबह भी सर्दी होती है और शाम को भी सर्दी होती है, ठंड में नस्य दे नहीं सकते, तो मध्य काल में थोड़ा मौसम ठीक होने के कारण मध्य काल में जो नस्य दिया जाता है। तो आगे आ जाइए, तांबुल का निषेध, देखिए तांबुल जो होती है बहुत गर्म होती है, तांबुल का यो प्रयोग किया जाता है, नागरवल्ली कहते हैं इसको, नागरवल्ली का प्रयोग कहाँ किया जाता है, नागरवल्ली का ध्यान से देखिए, नागरवल्ली का प्रयोग किया जाता है लक्ष्मी विलास रस में, लक्ष्मी विलास रस कहाँ यूज होता है, बुखार में, यहाँ पर बंदे के स्रोतस पूरे रुक जाते हैं, बुखार में भी यूज होता है, और
जुखाम में भी यूज होता है, यानी कि प्रतिशय रोग में भी यूज होता है। तो यहाँ पर कफ का प्रकोप हुआ रहता है, लेकिन मूर्छा में तो पित्त का प्रकोप हुआ रहता है, तो कभी भी ताम्र का प्रयोग मूर्छा में तो कर ही नहीं सकते। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन भागवत ने इसको डायरेक्ट भी मेंशन किया है कि ताम्र का प्रयोग मूर्छा में नहीं करना, तो क्योंकि ये पित्त से होने वाला रोग है और तांबूल है जो कफ कफ के लिए वर्ती कफ के लिए यूज होने वाली जो मेडिसिन है, तो इसीलिए मूर्छा रोग में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो आगे आ जाइए थोड़ा सा। तो घेरंड संहिता के अनुसार शीत कर्म कपाल भाती है, तो मुख जल को मुख में भर के नासा से निकालना, यही है इसका आंसर। तो ठीक है, ये योगा से क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना आपको। आगे है, वृषण कच्छु में दोष कौन से होते हैं? वृषण कच्छु कफ रक्त, वृषण कच्छु कफ रक्त। तो ये क्वेश्चन तो रट्टे वाला क्वेश्चन था, आपको शूद्र रोग याद करने पड़ेंगे, शूद्र रोगों का कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे है, तर्पण का उपयोग अल्प कफ पित्त शुद्धि में करते हैं। हाँ, तो ये सही है, और इसका कारण क्या है कि तर्पण का प्रयोग पोषण के लिए किया जाता है कफ और पित्त शुद्धि में। ठीक है, तो ये याद करने वाला ही एक क्वेश्चन था। और पुरीष वह पुरीष वह पुरीष आवृत जो स्नेह है, पुरीष आवृत स्नेह है, जो पुरीष आवृत स्नेह है, यहाँ पर स्नेह है, पुरीष आवृत स्नेह की जो चिकित्सा है वो कैसे की जाती है? पुरीष आवृत स्नेह की चिकित्सा यहाँ पर उदावर धार चिकित्सा की जाती है, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे कौन सा था? हाँ, आगे क्या है कि एक असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको याद करना है कैसे। देखिए, प्रमेय होते हैं, 10 10 कफई प्रमेय होते हैं, ठीक है, ये साध्य होते हैं, बिल्कुल सही। पित्त 6 होते हैं, ये याप्य होते हैं, और यो बाते 4 प्रमेय होते हैं, ये असाध्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। कारण इसका क्या है कि जो कफई प्रमेय होते हैं समक्रियत्वात्, पित्त विषम विषम क्रियत्वात्, और जो वाते प्रमेय होते हैं वो महत्तयात्वात्। तो इसके कारण ये तीन जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है, तो जो कारण है वो भी सही है और स्पष्टीकरण भी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो इसका आगे क्या है कि जो बातें बाघभट के अनुसार, बाघभट के अनुसार प्रेत सहभाष्यते किसका लक्षण है? वात्तई मदात्तय का, प्रेत सहभाष्यते किसका लक्षण है? वात्तई मदात्तय। ठीक है, तो आपको ये याद ही करना था कि किसका लक्षण है वात्तई मदात्तय का। और उपवेष्टन संस्कार, उपवेष्टन संस्कार क्या है, कब किया जाता है? तो उपवेष्टन संस्कार है बालक को बिठाना, बिठाना। तो बालक वैसे भी आप देखा होगा कि 6 मास तक उसको बिठाना शुरू कर देते हैं, तो बालक को 6 मास तक उपवेष्टन संस्कार किया जाता है, उसके बाद उसको। पर आगे क्या है, कारण इसका क्या है कि बालक को अधिक टाइम तक नहीं बिठाना चाहिए। देखिए, बालक को अधिक टाइम तक क्यों नहीं बिठाना चाहिए? क्योंकि इसके कारण ना उसको श्रमज ज्वर हो जाता है, क्योंकि थकावट आएगी, बालक अभी कमजोर होता है, तो श्रमज ज्वर हो और कटी द्रवण, ये बिल्कुल सही हो जाता है। दोनों जो असर्शन और रीजन है दोनों सही है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर दोनों सही है, और ए का स्पष्टीकरण के रूप में बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये याद करना था आपको। और ये आगे वाला क्वेश्चन है, ये शुश्रुत संहिता से है, कि लेखन अर्थ कौन सा कर्म, कौन सा शस्त्र प्रयोग किया? मंडलाग्र, मंडलाग्र छेदन और लेखन, छेदन और लेखन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। मंडलाग्र शस्त्र है ये, छेदन और लेखन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। और सीवन कर्म, चल संधि व्याप आश्रित, देखिए सीवन कर्म, सीवन कर्म कहाँ किया जाता है? चल संधि पे किया जाता है, और जो सुलिखित वर्ण होते हैं, यानी कि दोनों किनारे बिल्कुल लेखन करके सीधे कर लिए जाते हैं, उनपे सीवन कर्म ऐसे कर दिया जाता है, या फिर मेध, मेध में जो आश्रित होते हैं वर्ण, ठीक है, वहां पर सीवन कर्म किया जाता है, या फिर कहाँ पर किया जाता है, जो हमारे यहाँ पर दिया गया है चल संधि व्यापाश्रिता, ठीक है, वहां पर क्या किया जाता है? सीवन कर्म का प्रयोग किया जाता है, ये याद करने वाला क्वेश्चन था। तो आगे क्या है,
देखिए मिलानकरण, नहीं मिलानकरण से पहले सशुभ और अशुभ अक्षी पाक में क्या निषिद्ध है, तो वहां पर बस्ती निषिद्ध है, ये आपको याद करना है। बस्ती निषिद्ध है सशुभ और अशुभ अक्षी पाक, यहाँ पर शोफ है वहां पर बस्ती तो दे ही नहीं सकते, आपको बिल्कुल ही याद करना था, ठीक है। और ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 55, 55, ठीक है। तो यहाँ देखिए तीक्ष्ण ज्वर, तीक्ष्ण ज्वर कैसे होगा पित्त के कारण, क्योंकि पित्त का गुण होता है तीक्ष्ण, पित्त तीक्ष्ण, ठीक है। पित्त क्या है, तीक्ष्ण है, तो ये कॉन्सेप्ट वाइज भी सही है, और जिन लोगों ने याद करके रखा है। देखिए वात के कारण अग्नि भी विषम होती है, ज्वर भी विषम होगा। कफ श्वेत, श्वेत से यहाँ पर कफ आ जाएगा, बिल्कुल सही बन जाएगा। और बात वलासक ज्वर, जो ये बलासक ज्वर है ना, इसका वर्णन मिलता है संहिताओं में, और ये नित्य मंद ज्वर को बात बलासक ज्वर कहते हैं, या बलासक, ठीक है। तो इसको याद करना था आपको, बिल्कुल ऐसे सही हो जाएगा आपका। तो ये ठीक है, बात बलासक ज्वर का वर्णन किस किस आचार्य ने किया, बात बलासक का जो वर्णन है वो बाघ भट्ट ने किया है, बाघ भट्ट ने किया, ठीक है। बात बलासक ज्वर, तो यहाँ पर दो ब आ जाते हैं, तो इसका वर्णन किसने किया है, बाघ भट्ट ने किया है। नित्य मंद ज्वर हो जाता है, और स्थैमित्य श्वेत तथा जो है वो कफ ज्वर का लक्षण है, तो इसको बिल्कुल आप याद कर लें, ठीक है। और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हो सके तो कमेंट करने की कोशिश जरूर करें दोस्तों, इससे पता चलेगा कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।